आज से हम क्लास 8 की साइंस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और ये जो सेशन होगा ये 2023-24 के लिए सेशन होगा। इसके अंदर पूरा अपडेटेड सिलेबस होगा, ओल्ड सिलेबस कुछ भी नहीं होगा। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट देखेंगे साइंस का, तो चैप्टर फर्स्ट की ओर हम मूव करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या, क्रॉप क्या होती है, उनका प्रोडक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये जो क्रॉप थी इनकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मैं बात करूँ एंशिएंट टाइम की, तो एंशिएंट टाइम के अंदर अगर एंशिएंट टाइम या मेडिवल टाइम की बात करें, तो एंशिएंट टाइम में मतलब आज से 10,000 पहले ह्यूमन को एग्रीकल्चर करने का, एग्रीकल्चर कैसे की जाती है उसके बारे में नहीं पता था। तो ह्यूमन कच्चा मांस खाता था और फायर के बारे में भी नहीं पता था कि खाना को कैसे पका कर खाना चाहिए। जैसे वो मांस खाते थे, वो कच्चा मांस ही खाते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जो आज की हम जो क्रॉप खाते हैं, जैसे वीट हो गया, राई हो गया, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम की वीट होती थी, घास होती थी। जैसी जैसी पॉपुलेशन और ह्यूमन को, ह्यूमन की नॉलेज बढ़ी, वैसी वैसी ह्यूमन ने इन वीट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, इनका मैनेजमेंट शुरू कर दिया। ह्यूमन को समझ में आ गया कि ये जो वीट है हमारी एनर्जी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तब से लेकर आज तक ह्यूमन एग्रीकल्चर के सेक्टर में रेवोल्यूशन करता जा रहा है। जैसे इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अलग अलग कंट्रियों में ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए आया है जिससे हम प्रोडक्शन को, जो फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो अब हम अपना चैप्टर करते हैं, ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो हमको पता है जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द दे हैव द मूवमेंट। और जिनके अंदर मूवमेंट होती है मतलब उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन मूवमेंट करता है तो ह्यूमन को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से लाता है ह्यूमन, वो एनर्जी प्लांट से लेते हैं। और प्लांट वो एनर्जी कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट उस रिएक्शन से खाना बनाते हैं और फिर वही खाना ह्यूमन खाता है। अब जैसे मैंने बताया कि इंसान को एग्रीकल्चर करने का इसके बारे में पता नहीं था, तो आज से 10,000 पहले ह्यूमन को एग्रीकल्चर करने के बारे में पता लगा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द क्रॉप, क्रॉप क्या होती है। ठीक है, क्रॉप क्या होती है, क्रॉप एक सिस्टमैटिक वे होता है, क्रॉप सिस्टमैटिक वे होता है किसी भी फसल को उगाने का। फॉर एग्जांपल, आपने एक खेत, आपके पास कोई फील्ड है और इसके अंदर आपने एक ही टाइप की फसल उगाई है, फॉर एग्जांपल राइस ही उगाया है, वीट नहीं उगाया, तो इसी को बोला जाता है क्रॉप। वैन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक ही जैसे प्लांट लगा दिया हमने, राइस के ही प्लांट लगा दिया, और कल्टिवेटेड इन वन प्लेस, मतलब एक ही प्लेस का मतलब एक ही जगह कल्ट, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने राइस लगा दिया, यहाँ पर गेहूँ लगा दिया, यहाँ पर शुगर केन लगा दिया, तो ऐसा नहीं। केवल एक ही फील्ड में, एक ही फील्ड का मतलब एक ही जगह में एक ही चीज़ लगानी पड़ेगी आपको, तो उसी को बोला जाता है दैट इज द क्रॉप। जैसे कि हम वीट की क्रॉप उगाते हैं, क्रॉप अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए एंड फ्रूट्स हो गए। तो अब इंडिया, ये तो क्रॉप्स हो गए, अब इंडिया के अंदर क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। कुछ क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती हैं और कुछ क्रॉप्स विंटर सीजन के अंदर ग्रो की जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इंडिया के अंदर फसल का क्लासिफिकेशन किया गया था। तो पहली फसल आती है खरीफ, खरीफ के अंदर जो फसल उगाई जाती है दैट इज द रेनी सीजन, ये रेनी सीजन के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। जून से सितंबर के अंदर ये बोई जाती है, एग्जांपल हो गया पैडी मेज सोयाबीन ग्राउंडनट एंड कॉटन, तो दैट इज द खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट इज द रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स के अंदर क्या होता है कि इनको, इन क्रॉप्स को हम विंटर के अंदर, जो विंटर सीजन आता है तब ग्रो करते हैं। और ये अगर आप डेट की बात करें तो अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है, जैसे कि एग्जांपल वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया और लिनसीड हो गए। तो ये हमने आज देखा कि कितने टाइप की क्रॉप्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।